कहना इतनी आती है। I'm sure it's done. Like I'm constantly smiling. चलो पूरे साल से वेट करते क्या लेना चाहोगे आप दोनों? काफी अच्छे लग रहे हो पहले। थैंक यू। स्टार्ट हो दीजिए। स्टार्ट आई गेस मेरी माँ के लिए गणेश चतुर्थी बहुत स्पेशल है बिकॉज आई वॉज बॉर्न ऑन द डे ऑफ द फाइनल विसर्जन। सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर हर एंड इट्स स्पेशल। आई वाज के घर पे आना है लाइक अ रिचुअल फॉर मी। नीड एनी फेस्टिवल, नीड ईद, नीड दिवाली। सो इट्स अ रिचुअल फॉर मी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आई लव द वाइब ऑफ मुंबई जब गणपति आते हैं। कमेंट सेक्शन कोई भी ऐसा कमेंट आपने रीड किया हो? आई थिंक द बेस्ट कमेंट दैट आई गेट वाज एवरीबॉडी नीड्स एन अरमान इन देयर लाइफ। आई एम अरमान योर अरमान बिकॉज माय माय कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। सो एंड आई थिंक समबडी वेरी सीरियस इन द शो। तो एवरीबॉडी समवन सेड दैट एवरीबॉडी नीड्स अ फ्रेंड लाइक अरमान। दैट वाज माय एंड रियल जिस तरह से प्यार आपको मिला आपके शो को प्रति क्या कहना चाहोगे? गणपति जी का आगमन हो चुका है एंड शार्दुल शार्दुल आए आपके घर पे एज अ गेस्ट। कितनी अच्छी फीलिंग होती है जब हमारे दोस्तों आते एक ऐसे एक तो पहले आप लोग क्लैरिफाई कर दें, मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं इसका आशिक हूँ। इनकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद मैं इनका आशिक हूँ, तो मैं गेस्ट नहीं हूँ। हाँ, ये गेस्ट नहीं है। आई लव यू शार्दुल, आई लव यू शार्दुल, आई लव यू शार्दुल। तीन बार हो गया। तो कुछ नहीं, गणपति का पूरा साल एक्चुअली इंतज़ार किया जाता है लाइक आई सेड, कि क्योंकि आई थिंक गणपति जब आते हैं तो इट्स द बिगनिंग ऑफ फेस्टिवल्स। इसके बाद दिवाली, दशहरा, सब कुछ आता है एंड इट गेट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और हमें करोना के बाद आई थिंक पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। सो आई थिंक येस, बिकॉज ऑफ करोना आई थिंक बप्पा शुड रॉक नाउ। And I think Mumbai has waited कि हम लोग गणपति ऐसे वापस से। हाँ, दो साल जब गणपति नहीं मना था एक्चुअली बहुत सड़कें सुनसान थी, सब कुछ शांत था। तो हाँ, कल बहुत टाइम बाद मैंने लाइटें देखी रोड्स पे, सो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। विश की बात की जाए तो गणपति जी आप घर पे लेकर आई हैं, आप तो क्या विश मांगी हैं? मैं पेंट हाउस ले लूँ जल्दी से। ओके, और उसमें एक कमरा मेरा। हाँ, एक कमरा इसको दे दूंगी छोटा सा। तो नहीं, मैं देखो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप कोई विश मांगते हैं तो आप बता नहीं सकते उसको, वरना पूरी नहीं होती है। तो मैंने जो विश मांगी है वो बप्पा को पता है कि मैंने क्या मांगा है, इधर ही खड़े होकर मांगा है। यू बेटर फुलफिल इट। जब वो हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि ये वाली उस साल मांगी थी, अब इस साल ये वाली मांग रहे हैं। शार्दुल जी, बप्पा से आपने कहा कि जिस तरह का प्यार आपको मिल रहा है शो में, काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जिस तरह का लोग आपको फॉलो कर पा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, ये सवाल ही ऐसा है कि जैसे अगर आप किसी से पूछे प्यार मिल रहा है तो आप क्या कहना चाहोगे, कोई ये नहीं कहना चाहेगा कि बहुत गुस्सा आ रहा है। सब बहुत खुश होते हैं जब प्यार मिलता है, जब प्यार मिलता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। सो बेसिकली एवरी एक्टर और आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स काम आप पैसे के लिए भी करते हैं, बट यू वॉन्ट रिकग्निशन। और जब आपको रिकग्निशन मिलता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। इवन फॉर अनु, यू नो, शी माइट मेक क्लोथ्स फॉर एवरीबडी, बट वेन पीपल अप्रिशिएट कि उन्होंने जो बनाए वो अच्छा लगा, तो उसी के लिए सब लोग काम करते हैं। सो या वे वेरी ग्रेटफुल। गणपति की बात की जाए तो मतलब कंडीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लोग ट्री की भी बनाते हैं,
बट अभी तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है सोशल मीडिया आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ इको फ्रेंडली गणपति जो पेपर मैशी एंड यू नो मिट्टी वाले जो आ गए हैं. हमें तो आई थिंक 3 साल हो गए हैं हम प्रभावित करने गए नहीं है. आई डू इट एट होम. हम गमले में करते हैं और उसी मिट्टी में मैं पेड़ उगा देती हूँ. करेक्ट. तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे क्योंकि वो जो साइट होती है बीचेस पे जो आप देखते हो गर्दन टूटी हुई हाथ टूटी हुई उसी पे लोग चल रहे हैं वो देखने के बाद आपका दिल दुखता है क्योंकि आप उनको 3 दिन घर में रखकर उनकी सेवा करते हो और उसके बाद यू डोंट वांट टू सी दैट. सो इट्स बेटर कि वो अपने ही घर में रहें. आप घर में ही उसकी स्थापना करते हो तो आप घर में ही रख लो उसको वो बेटर है. गणपति बाप्पा को हम विघ्नहर्ता बोलते हैं. क्या आपके लाइफ में कोई विघ्नहर्ता है या फिर आप किसी के लाइफ में विघ्नहर्ता बने? मेरी लाइफ में बहुत सारे विघ्नहर्ता लोग रहे हैं. शी इज़ वन ऑफ देम. बिकॉज आपकी लाइफ में कोई एक विघ्नहर्ता नहीं होता है. जब भी आप किसी भी सिचुएशन से निकल रहे होते हैं लाइक दिस ईयर आई लॉस्ट माई मॉम एंड आई थिंक दीज पीपल अनु करण अंकिता देवर विथ मी. लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विघ्नहर्ता आई थिंक माई सिस्टर रुचिता पंडित है. बिकॉज जब भी मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है फर्स्ट कॉल गोज टू हर एंड वो हर प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर लेगी. तो वो एक्चुअली मेरा फीमेल गणपति है लाइफ का. गण फीमेल गणपति है. थैंक यू सो मच मौर्या. वेल आई गेस हर साल मेरी गणेश चतुर्थी की शुरुआत इसी घर से होती है एंड इट्स बिन बचपन का रिचुअल. सो मैं सबसे पहला घर जो है मैं यही हमेशा हर साल विजिट करती हूँ और इस साल भी वही किया है. आई गेस इट्स अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल एंड यू नो ऑल फेस्टिवल्स यू नो ब्रिंग अस क्लोजर. हम अपनी बिजी लाइफ से यू नो मौका मिलता है हम सभी को कि हम एक दूसरे के घर आ सके. वी कैन सेलिब्रेट ईच अदर. वेल हम पहली बात तो सेम बिल्डिंग में रहते हैं. अनु दी को मैं बचपन मतलब वो मुझे बचपन से जानती हैं. उन्होंने मुझे बड़ा होते हुए देखा है एंड आई एम वेरी क्लोज टू हर. सो या फाइनाइट सीरीज था. खूबसूरत सफ़र था. छोटा सफ़र था बट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. इट्स वेरी मेमोरेबल टू मी एंड आई मिस दैट शो. आई मिस द पीपल आई वॉज वर्किंग विथ. सो ऑनेस्टली जैन एंड आई आर होपिंग फॉर अ सीजन 2. लेट्स सी इफ मिरेकल हैपेंस दिस गणेश चतुर्थी. सम मिरेकल हैपेंस. वेल मेरी माँ बहुत फर्मली बिलीव करती है गणेश चतुर्थी में. सो आई गेस आई वुड जस्ट होप फॉर और विश फॉर हर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग. वेल आई गेस मैं बचपन से अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज रही हूँ और आई गेस चाहे कितनी भी बड़ी हो जाऊँ ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं जो शायद मैं उनके बिना सॉल्व कर सकूँ या फिर आई गेस कर सकूँ भी तो शायद करना नहीं चाहूँगी. सो या इट वुड बी हिम. आगे चल के रियलिटी शोज की बात करें रियलिटी शोज में आपको पार्ट लेने का मौका मिला था. Well, definitely yes, but फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है. सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी व्हाट कम्स माय वे. वेल आई गेस वी शुड जस्ट यू नो रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन ईच अदर्स फेस्टिवल्स. वी ऑल शुड सेलिब्रेट इट टुगेदर एंड लेट्स जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड लव ऑल अराउंड. थैंक यू.